हमास से जारी युद्ध के बीच इजराइल ने गाजा पट्टी के पास संपूर्ण नाकाबंदी के प्रयास तेज कर दिए हैं। इजरायली रक्षा मंत्री योग गैलेंट ने कहा है कि इसके तहत भोजन और ईंधन की पहुंच को भी रोका जा रहा है, साथ ही अधिकारियों की ओर से बिजली आपूर्ति भी ठप की जा रही है। गैलेंट ने इसे जानवर जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई का हिस्सा बताया है। हमास की ओर से इजराइल पर अचानक किए गए हमले के दो दिन बाद का ये घटनाक्रम है। इजरायली सेना का कहना है कि गाजा के पास दक्षिणी इलाके में समुदायों पर उसका नियंत्रण हो गया है। इस तरह कह सकते हैं कि गाजा पट्टी के लोगों को इजरायल ने अब बम और भूख से मारने की तैयारी कर ली है। इजरायल के मुख्य सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि सैनिकों ने उन समुदायों पर फिर से नियंत्रण स्थापित कर लिया है जो कुछ समय के लिए बाहर निकल गए थे। हालांकि इन इलाकों में भी छुटपुट झड़पें जारी है। मुख्य सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हंगरी ने कहा, अब हमारी ओर से सभी समुदायों की तलाशी ली जा रही है और इस क्षेत्र को खाली कराया जा रहा है। इससे पहले लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड हिचेट ने माना कि इन जगहों पर पूरी तरह से इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में अभी समय लग सकता है। इजराइल ने उसके ऊपर अचानक किए गए हमले का गाजा पट्टी पर अब तक की सबसे भारी बमबारी से जवाब दिया है, जिसमें करीब 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल का कहना है कि उसने हमास आतंकवादियों के कब्जे वाले इजरायली क्षेत्रों पर वापस से नियंत्रण पाने के लिए अपने विशेष बलों को लगाया है। इजरायली सेना ने दक्षिणी शहरों में अब भी मौजूद आतंकवादियों को मार गिराने का प्रयास किया और गाजा पट्टी पर बमबारी तेज कर दी है। इजरायल ने अपनी सीमा में आतंकी समूह की अप्रत्याशित घुसपैठ के जवाब में एक कार्रवाई की है। इजरायल ने रविवार को आधिकारिक तौर पर युद्ध का ऐलान किया था और हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में सैन्य कदम उठाए जाने को हरी झंडी दी थी। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और दोनों पक्षों के हजारों लोग घायल हुए हैं। सोमवार को भी कई स्थानों पर जंग जारी रही। आतंकवादी समूह हमास के एक प्रवक्ता ने कहा कि वे इजराइल से सभी फिलिस्तीन कैदियों को आजाद कराना चाहते हैं, साथ ही वेस्ट बैंक और यरूशलम, विशेष रूप से अल अक्सा मस्जिद में इजरायली मौजूदगी को खत्म करना उनका मकसद है। अब्दुल लतीफ ने एसोसिएट प्रेस को फोन पर बताया कि हमास के आतंकवादी अब भी इजरायली सेना से लड़ रहे हैं और सोमवार सुबह उन्होंने और अधिक इजरायलियों को बंधक बना लिया है। वहीं इजरायल की सेना के एक प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि हमास आतंकवादियों से जंग में इजरायल का एक मकसद गाजा पट्टी में आतंकवादी समूह को सत्ता से हटाना है। जोनाथन कॉनरिकस ने एक्स पोस्ट में ये बयान दिया है।